नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी, ठीक है ना। x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू -5/6 दी हुई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई। चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान दें, x की जगह -2/3 रखेंगे और प्लस अब ध्यान देंगे y की जगह -5/6 रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए y की जब भी नेगेटिव वैल्यू देता है ना, तो प्लस के बाद आप उसको ब्रैकेट में रखा करिए, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में -5/6 इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 6 है। 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, सबको पता है। देखिए 2, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 होता है, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1 3 3 1 3। सो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3, यानी कि कितना हो जाएगा 6। 6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, 6 जो कि एलसीएम आया है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2, 3 2 6 होता है। तो जो भी कोशेंट आ रहा है कोशेंट से उठा के हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × 2, ठीक, और प्लस, ठीक है। अब देखो जरा, 6 है, एलसीएम कितना है 6, और 6 को अगर आप -5/6 के डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 6 कोशेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला प्लस तो ऐसे लगेगा और ये -5 लिखा हुआ है, तो -5 को ब्रैकेट में लिख के इनटू में क्या करेंगे, 1। क्यों? क्योंकि एलसीएम 6 आया था, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आ रहा है, तो 1 को इसके न्यूमरेटर -5/6 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/6 का न्यूमरेटर क्या है, -5 है, तो -5 × 1 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एलसीएम जो आया था 6, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 2 से 3 को काट मत देना, जब तक ये न्यूमरेटर पूरा सॉल्व नहीं कर लोगे ना, तब तक आप कुछ भी कटवट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए 2 2 4 और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि -4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 5 × 1 5 होता है, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 1, सो -5 बाय, यहाँ पे देखिए कितना है, 6 है। नाउ अब ध्यान दें, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, और साइन लगेगा लार्जर नंबर का, तो इन दोनों से बड़ा कौन है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है, 5 का, तो 5 के आगे माइनस है, माइनस माइनस 9/6। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना हो तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 और 3 3, यानी कितना आ जाएगा, -3/2, ठीक है बच्चों। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, कहीं पे हम कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है बेटा कितना, -3/2 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसका राइट हैंड साइड आपको निकाल के दिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके कर लिया है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका राइट हैंड साइड, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, ये रहा इसका राइट हैंड साइड, सो आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, वाई प्लस एक्स है। नाउ वाई की जगह कितना रखोगे, -5/6, सो वाई की जगह हमने रखा -5/6 प्लस, ध्यान दें बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी, -2/3, तो नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे, -2/3 को हमने ब्रैकेट में रखा, ठीक। अब फिर से वही सारे काम करने, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, -5 × 1, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर 6 एलसीएम है, 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 6 को 3 से कितना आएगा, 2, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 × 2। सॉल्व करिए, -5 × 1 -5 प्लस, अच्छा एक चीज़ और, 2 2 4, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -4, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस -4, सो यहाँ पे आ जाएगा -4 बाय कितना है, 6 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है उसका, ठीक है, यानी कि 5 का, 5 + 4 9 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 5 का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो -9/6, ठीक। नाउ 3 2 और 3 3, तो कितना आ जाएगा, -3/2, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आरएचएस राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है, ठीक। तो देखा आपने बच्चों, यहाँ पर जितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, इसलिए रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी ओवर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ओके, नोट कर लीजिए।